नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको ओल्ड कॉइन्स या पुराने नोट से रिलेटेड एक ऐसा जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों आप वीडियो में आखिर तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों जो मैं जानकारी दूंगा वो वास्तव में किसी भी यूट्यूबर ने नहीं दिया होगा, किसी भी बॉयर ने नहीं बताया होगा। तो आज जो मेरे पास जानकारी है दोस्तों, 27 सितंबर का जो बात चल रहा है दोस्तों, उसका वो सबसे ज्यादा डिमांडेबल सिक्का बताऊंगा दोस्तों। तो आप सबको सबसे पहले तो पता ही होगा 27 सितंबर को ऐसा क्या है और क्या है वो सिक्का, और वो सिक्का कौन सा। अगर नहीं पता है दोस्तों तो वीडियो में बने रहना, मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा और वो सिक्का कहाँ पे बिकता है वो भी बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहना। साथ ही दोस्तों बॉयर के नंबर आपको कहाँ से मिलेंगे, एग्जीबिशन कहाँ पे लग रहे हैं, किस प्रकार से नोट बिकते हैं, किस प्रकार से सिक्के बिकते हैं, और अगर सिक्के या नोट ऑनलाइन बिकते हैं तो क्या वास्तव में रजिस्ट्रेशन शुल्क देनी पड़ती है, अदरवाइज एग्जीबिशन में जब हम जाते हैं तो एग्जीबिशन में कौन सी तारीख को जाना है, और कौन से सिक्के का जो लाखों रुपए में बात होती है वो किस प्रकार हमें मिलता है। एग्जीबिशन का एड्रेस भी दूंगा दोस्तों और बॉयर के नंबर भी मिलेंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं कुछ नोट या सिक्कों के बारे में। तो दोस्तों आज जिस कंपनी से मैं बात करूंगा वो वास्तव में ही कंपनी आपका सिक्का या नोट खरीदने वाली है, साथ ही वो सिक्का बताऊंगा 27 सितंबर का जो सबसे ज्यादा डिमांड में है। दोस्तों एक आ जाता है जो 5 रुपए का नोट होता है, ट्रैक्टर वाला नोट। दोस्तों इसमें किसान से रिलेटेड जो फोटो छपा है, किसान ट्रैक्टर और सूर्य का उगता हुआ सूर्य का निशान, तो इस नोट के भी लाखों रुपए देने की बात होती है। लेकिन दोस्तों आज मैं इस नोट की बात नहीं करूंगा। अगर 5 रुपए के ट्रैक्टर वाला नोट जिसके पास है तो वो मेरे पीछे का वीडियो देख सकता है, उसमें ऑल डिटेल्स मिल जाएगी। आगे दोस्तों एक सिक्का आ जाता है, ये देखिए 5 रुपए का सिक्का है जिसमें महात्मा गांधी जी की फोटो है, दांडी यात्रा से रिलेटेड फोटो है। तो अगर किसी भाई के पास ये भी सिक्का है तो वो भी पीछे का वीडियो देख सकता है, उसमें आपको पूरा डिटेल मिलेगा। जो अभी दोस्तों आज 27 सितंबर में हम बात करने वाले हैं वो सिक्का कौन सा, वो सिक्का अब आपके सामने आएगा दोस्तों, तो हो सकता है आपका भी दिल गदगद करने लग जाए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वो सिक्के पे जो फोटो दिखाऊंगा वो कुछ ऐसा ही फोटो है दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले देखिए ये 5 रुपए का सिक्का है दोस्तों, आप देख सकते हो 5 रुपए का सिक्का है जिसका दोस्तों निर्माण है 1907 से 2007 के बीच का ये सिक्का है, जिसके ऊपर हम अगर पीछे की तरफ देखते हैं दोस्तों तो ये देखिए दोस्तों, इस फोटो देख के ही पहचान गए होंगे, अगर जिसने नहीं पहचाना वो मैं बता देता हूं दोस्तों। इसके पीछे की तरफ फोटो लगी है शहीद आजम भगत सिंह की, जो 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी को झूल गए दोस्तों, तो उसके सम्मान में ये सिक्का बनाया गया। अगर दोस्तों किसी के पास अगर ऐसा सिक्का या नोट है जिसपे भगत सिंह का फोटो लगा हुआ है, शहीद आजम भगत सिंह, सरदार भगत सिंह का फोटो है दोस्तों, तो आज जो 27 सितंबर है वो एग्जीबिशन लग रहा है, तो उसमें जाके आप अपना नोट बेच सकते हो। साथ ही मैं बॉयर से बात भी करूंगा, वो बॉयर क्या बताते हैं, किस प्रकार नोट बिकता है, क्या किस प्रकार खरीदा जाता है, उनकी टीम हमारे यहाँ पे आएगी, अदरवाइज हमें वहां पे जाना पड़ता है। तो ये पूरी डिटेल्स आज आपको मिलेगी, साथ ही बॉयर के नंबर ही मिलेंगे। लेकिन फिर से बता देता हूँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ जिस आज मैं एग्जीबिशन से बात करूंगा, जिस बॉयर से बात करूंगा, अगर जिस किसी के पास भी ये शहीद आजम भगत सिंह वाला सिक्का हो तो ही उनके पास कॉल करना, क्योंकि दोस्तों वो और कोई सिक्का या कॉइन्स नोट नहीं खरीदते हैं, सिर्फ उनकी अभी का जो एग्जीबिशन चल रहा है, ऐसे तो वो खरीदते रहते हैं लेकिन जो अभी एग्जीबिशन चल रहा है इसमें सिर्फ शहीद आजम भगत सिंह का फोटो लगा हुआ सिक्का या नोट जो भी हो वो उनकी जो एग्जीबिशन या कंपनी है वो खरीदती है। साथ ही उनसे मैंने पहले भी उनकी साइट पे चेक किया था तो उसमें लाखों रुपए की प्राइस दी गई थी, और साइट पे हजारों वीडियो मिलेंगे दोस्तों, आजकल के 2 ही दिन के वीडियोज मिलेंगे, उसमें बताया गया है आप आसानी से शहीद आजम भगत सिंह का जो भी सिक्का या नोट है उसको या तो घर बैठे बेच सकते हो, या तो उनकी टीम हमारे यहाँ पे आ जाएगी, या हमें वहां जाके आसानी से बेच सकते हो बिना किसी रजिस्ट्रेशन शुल्क के, बिना किसी OTP के, बिना किसी आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स के, सब कुछ फ्री है दोस्तों। अपना बस सिर्फ होना चाहिए बस शहीद आजम भगत सिंह की फोटो वाला सिक्का। तो दोस्तों इस सिक्के के बारे में मैंने पूरा डिटेल्स आपको बता ही दिया, साथ ही दोस्तों इस सिक्के का जो मेन कारण है शहीद आजम की फोटो के नीचे छोटा सा आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो एक स्टार का चिन्ह दिखाई देगा, तारे का चिन्ह दिखाई देगा, ये देखिए दोस्तों मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों ये तारे का चिन्ह जो है दोस्तों
इसके कारण इसमें लाखों की रेट लगती है, साथ ही नोट सिक्का होना चाहिए शहीद आजम भगत। तो दोस्तों अब हम बोइर से बात करने वाले हैं, बोइर क्या बताता है किस प्रकार हमारा सिक्का खरीद रहा है शहीद आजम भगत सिंह वाला। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने अभी उनके पास कॉल किया है, ये देख सकते हो दोस्तों कॉल किया है, तो अब जानेंगे दोस्तों। हेलो, हेलो, हाँ जी नमस्कार सर। जी सर नमस्कार, मैं बोइर कंपनी लुधियाना पंजाब से बायर मनप्रीत सिंह बात कर रहा हूँ। अच्छा बायर मनप्रीत सिंह बात कर रहे हो सर? हाँ। कहाँ से सर? लुधियाना पंजाब से। लुधियाना पंजाब से बायर मनप्रीत सिंह बात कर रहे हो सर? जी बिल्कुल सर। क्या है, मैंने गूगल के ऊपर एक एड देखा था जिसमें बताया गया था 3 दिन आपका एग्जीबिशन चलेगा, शहीद आजम भगत सिंह के नोट या सिक्के जिनके पास हो वो खरीदते हो आप? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। भगत सिंह वाला सिक्का मेरे पास है तो इसको मैं किस प्रकार बेच सकता हूँ? सर पहले तो आपको इस भगत सिंह वाले जो सिक्का है आपके पास उसकी फोटो में व्हाट्सएप पे सेंड करनी होगी। अच्छा व्हाट्सएप पे सेंड करनी होगी? हाँ जी। तो सर किस नंबर पे करना है व्हाट्सएप पे? इसी नंबर पे। इसी नंबर पे? हाँ जी। जी सर अभी कर देता हूँ, एक मिनट होल्ड रखना। जी बिल्कुल। दोस्तों बोइर से बात हो रही है, लुधियाना पंजाब से मनप्रीत सिंह बात कर रहे हैं और उन्होंने मैंने बताया दोस्तों कि मेरे पास 5 रुपए का भगत सिंह वाला सिक्का है, तो उन्होंने व्हाट्सएप पे फोटो मंगाया है। आगे क्या प्रोसेसिंग बताते हैं, मैं उनके पास व्हाट्सएप सेंड करता हूं और पूरी जानकारी आज दोस्तों आपको भी मिलेगी। हेलो, हेलो, हाँ जी सर व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया आपके पास, चेक कीजिए। हाँ जी सर चेक कर रहा हूँ मैं सर। ये जी सिक्का है सर, इसकी क्या है भगत सिंह जी के जन्म दिन पे अवतार दिवस पर बहुत बड़ी डिमांड है। अच्छा सर, हाँ सर वही तो मैंने देखा था 27 सितंबर को जन्मदिवस पे आपका एग्जीबिशन लग रखा है और बहुत ज्यादा डिमांड बताई जा रही है। हाँ जी जी तो सर आपको अभी जन्मदिन पे आप आज तो आ सकते हैं क्या? जी सर आज तो नहीं पहुंच सकता लेकिन कल तो पहुंच ही जाऊंगा ना। तो सर आज आपको मतलब बुकिंग लेटर मिलेगा? जी सर आपको एक बुकिंग लेटर मिलेगा, आपको एक फॉर्म लगवाना होगा फॉर्म। अच्छा बुकिंग लेटर सर वो कैसा? सर आप एक फॉर्म लगवाना होगा आपको। अच्छा फॉर्म लगवाना होगा वो फॉर्म में तो सर फॉर्म का चार्ज लगता है क्या कुछ? कोई चार्ज नहीं लगता है, बिल्कुल मुफ्त। अच्छा बिना किसी चार्ज के आप हमें फॉर्म लगवाना, तो सर वो लगाइए फॉर्म। हाँ तो सर उस फॉर्म को जैसे सबमिट होने के बाद आपका जो कॉइन है वो बुक हो जाएगा। अच्छा कॉइन बुक हो जाएगा जी सर, तो कीजिए बुक। हाँ तो सर लगा रहा हूँ मैं भी फॉर्म सर, आपका डॉक्यूमेंट भेज दीजिए। मैं सर डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए? सर आधार कार्ड चाहिए होगा एक तो। जी आधार कार्ड, एक बैंक डायरी, एक बैंक डायरी और अपनी फोटो। जी मेरी फोटो। सर फिर भी इसका कितना प्राइस मिलेगा हमें? सर वो प्राइस भी आपको मैं चेक करके बता रहा हूँ। जी मैं फोटो सेंड कर रहा हूँ तब तक। जी होल्ड रखना दोस्तों, बॉयस ने बताया है अगर आज पहुंच सकते हो तो आज पहुंच जाओ, अदरवाइज ये बुकिंग का जो फॉर्म लग रहा है वो फॉर्म लगा रहे उसके लिए आधार कार्ड डॉक्यूमेंट जरूरी है, तो आधार कार्ड में सेंड कर देता हूं और जो बुकिंग कर लेंगे तो दोस्तों हो सकता है मैं कल वहां पे चला जाऊं दोस्तों, तो आपको वहां का भी डिटेल्स मिलेगा। शहीद आजम भगत सिंह वाला सिक्का जिसके पास भी है वो भी बोर्ड से कॉन्टेक्ट करके आसानी से बेच सकते हो। तो दोस्तों मैंने उनके पास ये सेंड कर दिया, तो आगे क्या प्रोसेसिंग रहता है, क्या प्राइस मिलता है? हेलो, हेलो, हाँ जी सर वो सेंड कर दिए डॉक्यूमेंट्स। आपके नोटबुक की प्राइस लिखी है 11 लाख रुपए। जी 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए? हाँ जी सर। जी सर तो ये प्राइस हमें किस प्रकार मिलेगी और वहाँ पे हमें लुधियाना आना पड़ेगा? हाँ सर। या सर आपकी टीम आएगी हमारे यहाँ पे? सर हमारी टीम नहीं आएगी। अच्छा आपकी टीम नहीं आएगी, हमें ही आना पड़ेगा वहाँ पे? जी सर। जी सर लुधियाना पंजाब सर मैं आपको एड्रेस लोकेशन हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। जी सर कोई दिक्कत ना, व्हाट्सएप सेंड कर दीजिएगा और साथ ही सर कॉन्टेक्ट नंबर भी सेंड कर दीजिएगा। और सर आपकी प्राइस लगेगी 11 लाख रुपए। जी 11 लाख प्राइस वो तो बता दिया सर, लेकिन किस प्रकार मिलेगा, वो कैश में मिलेगा या चेक में? सर चेक में मिलेगा आपको। अच्छा चेक में मिलेगा। हाँ जी। तो सर हम कल कितनी बजे, मतलब आपका जो एग्जीबिशन होता है उसका टाइमिंग क्या है, कितनी बजे से कितनी बजे के बीच? सर सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक। सुबह 8 बजे से रात की 9 बजे तक आपका एग्जीबिशन लगता है? हाँ जी। जी सर कितने दिन के लिए है एग्जीबिशन? 3 दिन। जी 3 दिन। क्या बता रहे हो सर?
3 दिन के लिए। तो सर मैं आप वो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, मैंने डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया, आगे और बता दूंगा सर, मैं कल आ जाऊंगा। जी सर धन्यवाद। तो दोस्तों बोर से बात हो रही थी, मनप्रीत सिंह जो पंजाब के लुधियाना से बात कर रहे थे दोस्तों, तो उन्होंने हमें बताया शहीद आजम भगत सिंह वाला अगर आप सिक्का बेचना चाहते हो तो आपको लुधियाना पंजाब वहां पे आना ही होगा, ना कोई ऑनलाइन बिकेगा, ना किसी ऑफलाइन बिकेगा, ना ही टीम वहां की आएगी, आपको डायरेक्टली वहां जाना होगा, वहां जाके अपना कॉइंस आसानी से सेल कर सकते हो। अगर आज पहुंच सकते हो तो आज पहुंचो, अदरवाइज कल पहुंचो। 3 दिन का टाइम था, 1 दिन कल निकल गया, 1 दिन आज का है, 1 दिन कल का है, तो 28 तारीख तक उनका लास्ट एग्जीबिशन है। तो आप अगर चाहते हो दोस्तों तो लुधियाना पंजाब के किसी बॉयर से संपर्क करके आप अपना भगत सिंह वाला सिक्का जिनके पास हो, 3 दिन सिर्फ यही सिक्के खरीदे जा रहे हैं, तो उनसे बात करके आप अपना कॉइन से आप नोट जो भी है वो बेच सकते हो दोस्तों। साथ ही दोस्तों अभी मेरे पास जो एग्जिट लोकेशन आएगी तो मैं कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दूंगा, आप वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, वेबसाइट भी बता दूंगा, वहां से आप वो किसी बॉयर के नंबर भी ले सकते हो अगर दोस्तों ये सिक्का आपके पास हो। अगर दोस्तों हमारा आज का जो वीडियो है शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन पर जो वीडियो शूट किया हमने, अगर इसमें आपको कुछ अच्छा लगे या आपका किसी का कॉइंस बिक जाए तो वो कमेंट सेशन में जरूर बताना दोस्तों। साथ ही दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना ताकि हो सके इन 2 दिनों के अंदर किसी बाइक का कॉइंस बिक जाए दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, राम राम दोस्तों। शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन पर आप सभी को हार्दिक शुभकामना।